एक कर्मचारी ने तो यहां तक बताया कि आज उनने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक है। बताया कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। इसमें संगठन से आग्रह किया कि उसकी पत्नी का जो इलाज है पीजीआई से चल रहा है, उसने टेस्ट कराने हैं तो उसके पास आज टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो इसी तरह की परेशानियों से हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। होता है और बजट में पास किया जाता है। विडंबना यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली। मैं कमल कृष्ण शर्मा, महासचिव, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ। जैसा कि आपको विदिति है कि कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली, और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसने कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी है और लोन की किस्तें देनी होती हैं, और भी कई इस तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन इस बारी 2 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो लोगों में बहुत निराशा है। लोगों को यहाँ हमारे कर्मचारी साथियों ने यहाँ तक बताया कि हमारे पास तो केवल आज 50 रुपये हैं, तो हम सब्जी ले जाने लायक है ना दूध ले जाने लायक है। एक कर्मचारी ने तो यहां तक बताया कि आज उनने चाय भी जो है बिना दूध की पी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए भी पैसे नहीं थे। एक कर्मचारी ने बताया कि आप कुछ ना कुछ कदम उठाइए। इसमें संगठन से आग्रह किया कि उसकी पत्नी का जो इलाज है पीजीआई से चल रहा है, उसने टेस्ट कराने हैं तो उसके पास आज टेस्ट कराने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। तो इसी तरह की परेशानियों से हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। तो ये तो हम यहाँ की बात करें, इसी तरह की परेशानियों से पूरा प्रदेश का कर्मचारी जूझ रहा होगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि बजट में जो है सैलरी का प्रावधान कर दिया जाता है। सैलरी के साथ साथ 2 DA की किस्तों का भी प्रावधान होता है, और बजट में पास किया जाता है। विडंबना यह है कि बजट पास होने के बावजूद आज सैलरी क्यों नहीं मिली। इस बारे में ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी की गई, ना इस तरह की कर्मचारियों को कोई सूचना दी गई, इसलिए भी कर्मचारियों में इसके बारे में बहुत रोष है। धन्यवाद।